अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम अंधा युग नाटक देखने जा रहे हैं, दूसरा भाग। इससे पहले हम एक भाग देख चुके हैं और जिसमें हमने धर्मवीर भारती के जीवन परिचय, नाटक के पात्र और नाटक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को देख चुके हैं, ठीक तथ्यों को। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं दूसरे भाग में। इसमें हम देखेंगे सबसे प्रथम तीन चीज बची है। एक तो स्थापनाएं। स्थापनाएं क्या होती हैं? आपने जब UGC नेट का पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि नाटक से जुड़े चार वाक्य आ गए, नीचे कूट दे देते हैं। अब उसमें दो वाक्य आपको चुनने रहते हैं। जैसे उदाहरण के दौरान महाभारत नाटक में कौरव नगरी एक अंक है, ये आपने चुन लिया, आपको पता है। दूसरा जो है महाभारत, ये सॉरी धर्म जो युग है, अंधा युग नाटक, ये नाटक महाभारत पर आधारित है। अब जो ये दो बात आपको पता होगी तभी तो आप चुन पाएंगे। तो ऐसे ही अन्य घटनाएं जो महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं नाटक से संबंधित, उनको हम इनमें देखेंगे। UGC नेट में ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि रहती है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखेंगे जो है कथानक। इसको हम अंक के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे एक संवाद। संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादा मत तोड़ो, कई बार तो पूछी जा चुकी है कई पंक्तियां। हम अभी सब संवाद देखेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि UGC में कौन सी पूछी जा चुकी है, कौन नहीं। तो ठीक है, आइए स्थापनाएं से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो है अंधा युग नाटक में, अंधा युग नाटक की महत्वपूर्ण स्थापनाएं एवं प्रतीक। इसी समय इसी में प्रतीक भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अंधा युग नाटक की स्थापनाएं वह प्रतीक विधान, ठीक है। कौन किसका प्रतीक है, ठीक, ये नाटक किसका प्रतीक है, सब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं अंधा युग नाटक की स्थापना व प्रतीक विधान। सबसे पहले एक ये है कि मंगलाचरण के उपरांत उद्घोषणा में विष्णु पुराण के आधार पर भावी युग के संबंध में लिखा गया है। तो मंगलाचरण के उपरांत उद्घोषणा में, ठीक, उद्घोषणा में विष्णु पुराण के आधार पर भावी युग के बारे में लिखा गया है। अब हम देखते हैं अगला एक ये बात कि वास्तव में यह नाटक पौराणिक बनाम आधुनिक कृति है। अब जैसे ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थापना है नाटक के संबंध में, सीधा आ गया एक पंक्ति कि इस नाटक के बारे में चार पंक्ति रहेगी, चार पंक्तियां रखी गई। अब उसमें से एक पंक्ति आ गई कि क्या आ गई कि वास्तव में यह नाटक पौराणिक बनाम आधुनिक कृति है। वास्तव में यह नाटक पौराणिक बनाम आधुनिक कृति
है। अब बताओ, पौराणिक तो आप तुरंत पकड़ लोगे लेकिन आधुनिक नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आधुनिक तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है ना। पौराणिक तो है महाभारत के 18वें दिन का और कृष्ण की मृत्यु तक का है, यही चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये स्थापनाएं हैं, इनको आपको नोट करना है कि इस वास्तव में यह नाटक पौराणिक बनाम आधुनिक कृति है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखेंगे। अंधायुग नाटक की स्थापना एवं प्रतीक विधान देख रहे हैं, इसमें हम सारे लगभग देखने वाले हैं। मंगलाचरण के उपरांत उद्घोषणा में विष्णु पुराण के आधार पर भावी युग के बारे में लिखा गया है। ये जो में नुक्ता लगाते हैं अनुस्वार, ये आपको दिखता है पता नहीं, नहीं दिखता उसमें ये तो ठीक है। मंगलाचरण हम इसको बाद में बड़ा करना पड़ता है मुझको कि आपको दिखे, नहीं तो बाद में ये होगा कि गलत है। तो मंगलाचरण के उपरांत उद्घोषणा में विष्णु पुराण के आधार पर भावी युग के बारे में लिखा गया है, एक बात हो गई। दूसरा, वास्तव में यह नाटक पौराणिक बनाम आधुनिक है, सुपर मोस्ट बात है ये, इसको यहां लिख लीजिएगा अगर चाहे तो। मोस्ट देखो, ये तो आप पकड़ लोगे कि विष्णु पुराण के उद्घोषणा की बात हो रही है, मूल नाटक से सब मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक। ये आपको दुर्लभ है कहीं मिलना, अच्छे अच्छे जो यूजीसी नेट पढ़ाते हैं वो भी मुश्किल से देंगे। तो आइए देखते हैं आगे, हो गया तो आगे देखते हैं। अगला हम देख रहे हैं स्थापना कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने, लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने राजनीति और साहित्य को अंधकार से भर दिया। राजनीति व साहित्य को अंधकार से भर दिया, ठीक, जिसका प्रतीक अंधा युग है। जिसका प्रतीक क्या है? अंधा युग है। अब यहां समझने की जरूरत है, ठीक, क्या जरूरत है कि अंधा युग नाटक आया कब, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1954 में आया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, भीषण विध्वंस जो द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ, जापान पे बम गिराया गया, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो भयानक स्थिति बनी उसको महाभारत से जोड़ने का प्रयास किया गया वर्तमान परिदृश्य में। अभी हमने पढ़ा कि पौराणिक बदनाम आधुनिक कृति है, तो कैसे होगी आधुनिक? पौराणिक महाभारत, आधुनिक द्वितीय विश्व युद्ध, तभी तो आप कंपेयर करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने राजनीति व साहित्य को अंधकार से भर दिया, जिसका प्रतीक है अंधा युग। अब आपको पौराणिक बनाम आधुनिक संदर्भ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला हम ये देख लेते हैं कि अंधा युग के सभी पात्र मानवीय अस्तित्व की अपेक्षा, अंधा युग के समस्त पात्र, अंधायुग के समस्त पात्र मानवीय अस्तित्व अंधायुग के समस्त पात्र मानवीय अस्तित्व
की अपेक्षा विशेष विचारधारा अथवा अस्तित्व की अपेक्षा विशेष विचारधारा विचारधारा अथवा विशेष विचारधारा अथवा कुंठाओं के प्रतीक अधिक हैं। ठीक आ जाएगा यहां कुंठाओं के प्रतीक अधिक हैं। ठीक कुंठाओं के प्रतीक अधिक हैं। हम समझते चल रहे हैं क्या कि अंधा युग के समस्त पात्र, सभी पात्र की बात हो रही है, मानवीय अस्तित्व की अपेक्षा, जो मनुष्य का अस्तित्व है, जो मानवता है, की अपेक्षा विशेष विचारधारा अथवा कुंठाओं के प्रतीक अधिक हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी वेदना से, किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, जिसमें जकड़े हुए हैं, जिसमें ही जी रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि दो यहां देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने राजनीति और साहित्य को अंधकार से भर दिया, जिसका प्रतीक है अंधायुग। अब यहां इस कथन से हमें यह बात समझ में आ गई कि किस तरह अंधायुग नाटक पौराणिक बनाम आधुनिक है। ठीक, अब यहां हम एक बात और देख रहे हैं कि अंधायुग के समस्त पात्र मानवीय अस्तित्व की अपेक्षा विशेष विचारधारा अथवा कुंठाओं के प्रतीक अधिक हैं। ठीक, तो अब ये दो बात हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम अगला देख रहे हैं, पांचवा, युधिष्ठिर योम धृतराष्ट्र युधिष्ठिर योम धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र नेत्रिवर्ग। ठीक, नेत्रिवर्ग युधिष्ठिर एवं धृतराष्ट्र नेत्रिवर्ग की अंधी, क्या अंधी, शक्ति उपासना। ठीक, शक्ति उपासना युधिष्ठिर एवं धृतराष्ट्र नेत्रिवर्ग की अंधी शक्ति उपासना। ठीक, संपूर्ण विश्व पर संपूर्ण विश्व पर एकाधिकार की स्वार्थी वासना के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं ये, स्वार्थी एकाधिकार की स्वार्थी वासना पर एकाधिकार, ठीक, की स्वार्थी वासना 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 के प्रतीक हैं। ये कौन है, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का पुत्र। ये कौन है, अंधा राजा। ये आंख से ही अंधा नहीं है, मन से भी अंधा है, मतलब इसको समझ ही नहीं है। ठीक, कि अंधी शक्ति उपासना संपूर्ण विश्व पर एकाधिकार की स्वार्थी वासना के प्रतीक हैं। मतलब कुल मिलाकर हमें इस बात से यह समझना है कि ये एकाधिकार चाहते हैं शासन तंत्र पे, मतलब पांडवों का शासन ना रहे, उनको सत्ता में बंटवारा ना हो। और ये किस बात का स्वार्थी प्रतीक, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको मिलना चाहिए। वो राज किसका रहता है, वैसे भी वो पांडवों का शासन रहता है, लेकिन ये धृतराष्ट्र पा जाते हैं क्योंकि उनके पिता का युद्ध में निधन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये विषय हमारा नहीं है, हमें टॉपिक पे ही रहना है। तो अगला हम देखते हैं
कि गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है। ठीक, देखो गांधारी अनुस्वार के साथ लिखना चाहिए क्योंकि ना का उच्चारण ज्यादा है और आ का कम है। ठीक है, देखो नाक से ज्यादा सांस निकलती है तो कुछ जगह चंद बिंदु भी मिल जाता है, कुछ जगह अनुस्वार भी मिलता है, तो शुद्ध तो अनुस्वार के साथ ही है गांधारी। ठीक, अरे कंफ्यूजन हो जाती खुद को भी कभी कभी, गांधारी। ठीक, गांधारी मानवता, गांधारी मानवता का वह घबराया चेहरा है, का वह घबराया, गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है, घबराया वर्ग है जो बर्बर पशुत्व ठीक, गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है जो, ठीक, जो बर्बर पशुत्व अमर्यादित नैतिकता गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है जो बर्बर पशुत्व अमर्यादित नैतिकता, आगे आगे तो जगह नहीं है इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम अगले पेज पर लिखते हैं, अमर्यादित नैतिकता और जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभासी संस्कारों के कारण, लंबा है अगले पेज पर लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको शुरू से ही ना लिख दें तो आपको ठीक ही रहेगा, चलो इसको समय बर्बाद होगा तो। ठीक, पशुत्व का वह घबराया वर्ग है जो बर्बर पशुत्व अमर्यादित नैतिकता और क्या, और जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभासी, इसी के आगे का लिख रहे हैं। ठीक है, इसका आगे यहां जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको दिक्कत हो जाएगी भाई, तो ऐसा करते हैं इसको फिर से लिख देते हैं, नहीं तो जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। चलो हम यहां फिर से लिख देते हैं, कौन सा, 6 नंबर, क्या है कि गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है, गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है। ठीक, गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है जो बर्बर पशुत्व, अमर्यादित नैतिकता, अमर्यादित नैतिकता, बर्बर पशुत्व अमर्यादित नैतिकता और जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभास अमर्यादित नैतिकता और जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभासी संस्कारों के कारण जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभासी
संस्कारों के कारण प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप कटु निराशा की अनास्था का मार्ग पकड़ लेती है। प्रतिक्रिया स्वरूप कटु निराशा की अनास्था का मार्ग पकड़ लेती है। ठीक। गांधारी मानवता का वह घबराया वर्ग है जो बर्बर पशुत्व अमर्यादित नैतिकता और जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभासी संस्कारों के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप कटु निराशा की अनास्था का मार्ग पकड़ लेती है। ये बात हो रही है गांधारी के बारे में। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। सारी स्थापनाएं बहुत ही आपको देखना है बार बार। अब अगला हम देख रहे हैं कि अश्वत्थामा, ठीक, अश्वत्थामा प्रतिहिंसक पशुत्व और अश्वत्थामा प्रतिहिंसक पशुत्व और युद्ध लिप्सा के अर्ध सत्य का प्रतीक है ठीक है। अश्वत्थामा प्रतिहिंसक पशुत्व और युद्ध लिप्सा के अर्धसत्य का प्रतीक है। अगला हम देखते हैं, एक बार यूजीसी में भी इसे पूछा जा चुका है कि इसमें से कौन प्रतिहिंसक पात्र है, तो ये शब्द आया था यूजीसी में, ठीक, अश्वत्थामा के लिए। आगे हम देखते हैं, अश्वत्थामा गलत प्रतिशोध के कारण निराशा योम अंतर द्वंद की यातना के लिए अभिशप्त योम विक्षिप्त बना दिया गया है। ठीक, तो कारण निराशा योम अश्वत्थामा गलत प्रसूति के कारण निराशा योम अंतर द्वंद की यातना के लिए निराशा एवं अंतर्द्वंद की यातना के लिए अभिशप्त योम विक्षिप्त बना दिया गया है। अभिशप्त मतलब अभिशाप जिसे लगा हो, तो अभिशप्त योम विक्षिप्त मतलब पागलों जैसी स्थिति, विक्षिप्त बना दिया गया है ठीक। तो अश्वत्थामा गलत प्रतिशोध के कारण निराशा योम अंतर्द्वंद की यातना के लिए अभिशप्त योम विक्षिप्त बना दिया गया है। और एक और है कि अश्वत्थामा पशुत्व और युद्ध लिप्सा के अर्धसत्य का प्रतीक है। यहां दो बात, एक ये कि प्रतिहिंसक पात्र पूछा जा चुका है यूजीसी में एक बार, और एक बात
प्रतिशोध दो तरीके के होते हैं, एक गलत प्रतिशोध, एक सही प्रतिशोध। गलत प्रतिशोध किसने किया? अश्वत्थामा ने किया। सही प्रतिशोध किसने किया? चाणक्य ने किया। ठीक, तो ये अंतर है। अब ये भी पूछ सकता है भी कभी कि निम्नलिखित में से मतलब चंद्रगुप्त का सही प्रतिशोध था कि जो है अश्वत्थामा का था, कुछ भी पूछ सकता है जिसकी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, चीजें समझ होनी चाहिए। तो अश्वत्थामा का जो क्या था मतलब प्रतिशोध था, वो गलत प्रतिशोध था, और चाणक्य का प्रतिशोध सही प्रतिशोध था। ठीक, आगे हम देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर, कि अश्वत्थामा उस वर का संकेत देता है, अश्वत्थामा उस वर्ग का संकेत देता है जिस वर्ग, जिस द्वितीय, जिस मतलब जिस द्वितीय महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव है, जिस पर, उस वर्ग का संकेत देता है जिस पर द्वितीय महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ठीक, द्वितीय महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव है। आगे हम देखते हैं, है या प्रभाव पड़ा, ऐसे समझ सकते हैं, प्रभाव पड़ा समझिए, है नहीं, क्योंकि उस तत्कालीन स्थिति थी। ठीक, आगे हम देखते हैं कि महायुद्ध के सीधे प्रभाव में आने वाले राष्ट्रों के मानसिक असंतुलन की या विक्षिप्त अवस्था अस्वस्थ थामा के रूप में अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक, तो इतना ही हमें समझना है कि अस्वस्थ थामा उस वर्ग का संकेत देता है जिस पर द्वितीय महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि कृष्ण ज्योति विवेक व मानवता के प्रतीक हैं। ठीक है, सुपर मोस्ट में रखिए इसे। कृष्ण किसके प्रतीक हैं? ज्योति विवेक एवं मानवता के प्रतीक। ठीक, कृष्ण ज्योति विवेक एवं मानवता के प्रतीक हैं। आगे, संजय निष्क्रियता एवं निरपेक्ष सत्य का प्रतीक है। ठीक, इतना लिख लीजिए, फिर अगले पेज पे लिखते हैं, हो गया, ना हो तो रोक के देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि संजय निष्क्रियता एवं निरपेक्ष सत्य का प्रतीक है। ठीक, संजय निष्क्रियता, ठीक, व निरपेक्ष, संजय निष्क्रियता व निरपेक्ष सत्य का, संजय निष्क्रियता व निरपेक्ष सत्य का प्रतीक है। ठीक, अगला, यूसु आज के उस मानव का प्रतीक है, युत्सु
आज के उस मानव का प्रतीक है अयुत्सु आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे हम आज भटकता हुआ धुरीहीन प्रतीक है जिसे हम आज भटकता हुआ धुरीहीन व्यक्ति धुरीहीन व्यक्ति कह सकते हैं। वस्तु आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे आज भटकता हुआ धुरीहीन व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक, आगे एक और है जो हम अगले पेज पर लिखेंगे, तो इसको देख लेते हैं कि संजय निष्क्रियता युवा निरपेक्ष सत्य का प्रतीक है, युसु आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे आज भटकता हुआ धुरीहीन व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्योंकि युत्सु एक ऐसा पात्र रहता है जो पांडवों की तरफ जाके लड़ता है, ठीक, हार हो या जीत पक्ष नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य हो या गलत असत्य, विभीषण ने, क्योंकि कभी चाहे सत्य हो असत्य, अपनों का साथ छोड़ने वालों कभी इज्जत नहीं हो, चाहे विभीषण हो चाहे युत्सु हो, ठीक, चाहे जयचंद हो। तो आइए अगला देखते हैं कि अंधायुग की कथा, अंधायुग की कथा, अंधायुग की कथा प्रत्येक महासमर, ठीक, प्रत्येक महासमर के उपरांत किसी भी युद्ध संस्कृत, किसी भी युद्ध संस्कृति, ठीक, अंधायुग की कथा प्रत्येक महा समर के उपरांत किसी भी युद्ध संस्कृति, ठीक है, अमानवीय युद्ध संस्कृत अमानवीय विघटित विकृत मूल्यों विघटित विकृत मूल्यों विकलांग कुत्सित विकलांग कुंठित विकलांग विघटित विकृत मूल्यों विकलांग कुंठित और जीर्ण शीर्ण छत बिछत और जीर्ण शीर्ण और जीर्ण शीर्ण छत बिछत और जीर्ण शीर्ण छत बिछत घायल 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 तन मन कथा की प्रतीकात्मक अभ्यक्ति भी है। खायल तन मन कथा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति
भी है। ठीक, अंधायुग की कथा प्रत्येक महासबर के उपरांत किसी भी युद्ध, संस्कृत, अमानवीय, विघटित, विकृत मूल्यों, विकलांग, कुंठित और जीर्ण शीर्ण, छत बिछत, घायल तन मन कथा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। अगर यहाँ आपको समझने में एक समस्या हो तो मैं एक चीज़ यहाँ कर सकता हूँ, वो है नाटक। ठीक, नाटक की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है, अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब हम देखते हैं अगला। अब हम इसके बाद स्थापनाएं हो गई, प्रतीक हो गया, अब हम देखेंगे कथानक को। कथानक को हम किस कथानक में क्या महत्व, मतलब किस अंक में क्या कथा चलती रही है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो आइए हम प्रथम अंक के साथ प्रारंभ करते हैं और तो हम देख रहे हैं अंधायुग नाटक का कथानक। ठीक, कथानक तो हम केवल अंक देखेंगे, अंक के हिसाब से हमको समझना है। ठीक, तो पहला देखो, सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम अंक। ठीक है, और प्रथम अंक का क्या नाम है ये आपको जरूर याद रखना। एक बात जान लीजिए, नाटक में कुछ याद रहे ना याद रहे, लेकिन नाटक का अंक जरूर याद रहना चाहिए और क्रम। ठीक है, तो पहला प्रथम अंक और हम देखने जा रहे हैं कौरव नगरी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें युद्ध से त्रस्त कौरव नगरी का चित्रण है। उसके बाद कौरवों की पराजय से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका चित्रण है। उसके बाद संजय विदुर और धृतराष्ट्र की वार्तालाप है। तो प्रथम अंक का ये महत्वपूर्ण फल है। और किस पे चर्चा करते हैं, तो वो तीनों लोग जो उसके परिणाम निकले युद्ध के, उस पर चर्चा करते हैं और इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि ऐसा कहा गया था कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए। तो हमने जैसा कि देखा होगा कि विदुर को हमने शांति प्रिय पढ़ा था और वो युद्ध ना करने वाला। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि युद्ध में त्रस्त कौरव नगरी का चित्रण, पहला नंबर। युद्ध में त्रस्त, ठीक, कौरव नगरी का चित्रण। क्यों इसका नाम कौरव नगरी रखा गया, क्योंकि ये घटना, ये जो प्रथम अंक है वो हमेशा कौरव नगरी पर केंद्रित थी, क्योंकि युद्ध के बाद तुरंत नाटक शुरू होता है, आठवें दिन समाप्त होने के बाद तो तुरंत कौरव नगरी का वर्णन होता है। कौरव नगरी में धृतराष्ट्र और संजय विदुर ये परिचर्चा कर रहे हैं कि युद्ध से क्या नुकसान हुआ, क्या चीजें हुई। तो युद्ध में त्रस्त कौरव नगरी का चित्रण है। उसके बाद क्या है, इसमें कौरव नगरी का जो चित्रण है तो बात किस पे होती है कि युद्ध के पराजित पक्ष की भयंकर स्थिति का वर्णन है। तो युद्ध में पराजित पक्ष अर्थात कौरवों, तो युद्ध में पराजित पक्ष कौरव लिख लीजिए अर्थात कौरवों, पराजित पक्ष अर्थात कौरवों की भयंकर स्थिति की भयंकर स्थिति का चित्रण है। ठीक है,
एक बात तो ये समझ में आ गई कि युद्ध में कौरव नगरी का चित्रण है, दूसरी बात हमें ये समझ में आ गई कि जो कौरव नगरी के साथ साथ जो युद्ध में कौरव पराजित हुए थे उनका वर्णन है। अच्छा, ये वर्णन चित्रण कर कौन रहा है? संजय, विदुर और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ये लोग परिचर्चा कर रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र उस समय तक भी राजा थे। आगे इसमें एक अंक और देख लेते हैं जो हम अब बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या कि इसमें इस अंक में विदुर, संजय, धृतराष्ट्र, इस अंक में विदुर, संजय व धृतराष्ट्र के बीच युद्ध के हुए विनाश और उनके परिणाम की परिचर्चा। ठीक, युद्ध में हुए विनाश और उसके परिणामों की चर्चा, ठीक, हो रही है। किसके किसके बीच हो रही है? विदुर नीतिज्ञ जो थे, संजय जो जीवंत कथा सुनाते थे, मतलब वहां का वर्णन सुनाते थे, लाइव टेलीकास्ट करते थे और दिव्य दृष्टि से, और धृतराष्ट्र जो अंधे थे। धृतराष्ट्र के बारे में हमेशा ये ज्ञात रखना है कि आंख के ही अंधे नहीं थे, मन के भी अंधे थे, विचार विवेक से भी अंधे थे। तो इस अंक में विदुर, संजय व धृतराष्ट्र के युद्ध में, धृतराष्ट्र के बीच, एक शब्द छूट गया भाई, तो यहां लिख लीजिए कि बीच, ठीक, बीच युद्ध में हुए विनाश और उसके परिणामों की चर्चा है। ठीक है, ये हो गई प्रथम अंक की बात। अभी हम संवाद लिख लेंगे महत्वपूर्ण अंक के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे द्वितीय अंक। ठीक, तो हम देखने जा रहे हैं द्वितीय अंक, और द्वितीय अंक का क्या नाम है बता सकते हैं? पशु का उदय होता किसमें है? अश्वत्थामा में। ठीक, तो आइए हम देखते हैं द्वितीय अंक, इसमें क्या देखना है। इस अंक में पशु के उदय का चित्रण है, तो ये आपको पता ही है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पशु का उदय आप जान ही रहे हैं। इसमें देखिए कि संजय कौरवों के वध की स्मृति करता है इस अंक में। ठीक, संजय ऐसे लिखते चले तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, कि इस अंक में संजय कौरवों के वध की स्मृति मतलब याद करता है उनके वध के बारे में, स्मृति करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि उसे पता चलता है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य भी जीवित हैं, करता है और उसे पता चलता है कि कृतवर्मा व कृपाचार्य अभी जीवित हैं। ठीक, ये बात उसको पता चल जाती है। फिर और क्या देखना है इस अंक में? इसी अंक में अश्वत्थामा के जीवित होने का
समाचार भी मिलता है, होने का समाचार भी मिलता है। ठीक है, आगे इसी अंक में इसी अंक में नहीं, ये तो इतने में आएगा नहीं। अच्छा चलो इसको दो लिखिए, फिर तीसरा हम अगले में दिखाते हैं, हो गया ये। इस अंक में संजय कौरवों के वध की स्मृति करता है और उसे पता चलता है कृतवर्मा और कृपाचार्य भी जीवित हैं। अगर पूछ लेगा कि किस अंक में पता चलता है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य जीवित हैं, तो आप जो है गलत करके मत आइएगा। एक प्रश्न और यहां से बन सकता है, किस अंक में पता चलता है कि अश्वत्थामा भी जीवित है, तो द्वितीय अंक में पता चलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो हम एक तीसरा देख रहे हैं, क्या है ये, कि इस अंक का नामकरण अश्वत्थामा में उदित होने वाले पशुत्व के आधार पर किया गया है। अश्वत्थामा में उदित होने वाले पशुत्व का पशुत्व के आधार पर किया गया है। ठीक है, इस अंक का नामकरण अश्वत्थामा में उदित होने वाले पशुत्व के आधार पर किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई तृतीय अंक की। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं द्वितीय अंक की। ये बात थी द्वितीय अंक की, अब हम देखने जा रहे हैं तृतीय अंक। और तृतीय अंक में ये अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं तृतीय अंक देखने। इसमें क्या है, इसमें अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। कौन सा अर्ध सत्य है वो हम देख रहे हैं। इसमें झूठ बोलता है, आधी बात सच बताता है आधी बात, और वो पांडवों को, जो शेष बचे पांडव रहते हैं, उनको मारने का प्रयास करता है। तो इसी को हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, इसमें पहली बात ये देखनी है कि तृतीय अंक में अश्वत्थामा के तथा विदुर धृतराष्ट्र युत्सु आदि के संवाद से तृतीय अंक में अश्वत्थामा के तथा विदुर धृतराष्ट्र युत्सु के संवादों से तृतीय, देखिए यहां से ये यही है, मतलब यहीं से जन्म होता है अर्ध सत्य। इसका नामकरण किया गया, इस पर बार बार हम फोकस कर रहे हैं कि तृतीय अंक में, यहां अंक होना चाहिए था, कि तृतीय अंक में अश्वत्थामा के तथा
विदुर धृतराष्ट्र युत्सु के संवादों, ठीक, संवादों से अर्ध सत्य की अभिव्यक्ति हुई। ठीक, अर्ध सत्य, ठीक, अर्ध सत्य की अभिव्यक्ति हुई। और क्या होता है इससे, जब अर्ध सत्य की अभिव्यक्ति हो जाती है तो अश्वत्थामा शेष पांडवों को मारने का व्रत लेता है। ठीक, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा शेष पांडवों को मारने का व्रत लेता है। ठीक है, अब इसमें यह समझने की जरूरत है कि जो पशुत्व का उदय है वो अश्वत्थामा के अर्धसत्य में बदलता है, और वो अर्धसत्य बोल के शेष पांडवों को मारने का क्या करता है, व्रत लेता है। अब यहां ये एक प्रश्न आप याद रखें, अश्वत्थामा किस अंक में शेष पांडव यानी जो पांडव के बच्चे रहते हैं उनको मारने का व्रत लेता है, तो किस, कौन सा अंक है, तृतीय अंक। ठीक है, तो ये हो गया तृतीय अंक के बारे में बात। अब हम देख रहे हैं चौथा अंक, और जिनमें गांधारी का साप है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं चौथा अंक। ठीक, इसमें क्या है, इसमें है गांधारी का साप। किसे देती है गांधारी साप, कृष्ण को देती है। साप क्या है उनका, आपको पता है साप, याद है वो पंक्तियां साप वाली कि तो सुनो, उनकी एक पंक्ति आती है कि तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या हो परात्पर, प्रभु हो या परात्पर हो, सुनो तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ठीक, तो ये कृष्ण के बारे में श्राप देती हैं, साप देती हैं, गांधारी का साप। आइए देखते हैं अगला अंक, चौथा अंक, और ये अंक में हम देखने वाले हैं कि इसमें गांधारी का साप वर्णित है, ये आपको पता है। अब हम आगे एक बात देखते हैं कि इस अंक में गांधारी कौरवों के पराजय और उसके वध के लिए, इस अंक में गांधारी कौरवों के पराजय एवं पराजय एवं उनके वध के लिए कृष्ण को उत्तरदायी उत्तरदायी ठहराती हैं। ठीक, और साप देती हैं। और साप देती हैं। ठीक, अब हम एक और बात देखनी है इसमें, क्या कि इसी अंक में धृतराष्ट्र के कौरव नगरी छोड़ने का संकेत मिलता है। ठीक, इसी अंक में धृतराष्ट्र के कौरव नगरी
छोड़ने का संकेत मिलता है। ठीक, इस अंक में गांधारी कौरवों के पराजय एवं उनके वध के लिए कृष्ण को उत्तरदायी ठहराती है और साप देती है। इसी अंक में धृतराष्ट्र के कौरव नगरी छोड़ने का संकेत मिलता है। ठीक है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात इस अंक की है। और एक बात ये आपको पता ही है, क्या, कि गांधारी का साप इस अंक का नाम है। अगला हम देखते हैं, पांचवा और अंतिम अंक। अंक के आधार पे तो पांच ही अंक है, भाग कई है। ठीक, तो हम देख रहे हैं अब पांचवा अंक, पांचवा अंक, और इसका नाम आपको पता है, इसका नाम है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक, विजय क्या है, एक क्रमिक आत्महत्या, क्रम से, मतलब सीरियल से जिसे कह सकते हैं। ठीक, तो विजय एक क्रमिक आत्महत्या इसका नाम रहता है। तो ये आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा, विजय एक क्रमिक आत्महत्या का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे देख रहे हैं कि भिक्षुक गुंगा, ये बात देख लेते हैं इसमें कि भिक्षुक गुंगा, भिक्षुक गुंगा सभी प्रतीक पात्र, भिक्षुक गुंगा सभी प्रतीक पात्र अपनी, भिक्षुक गुंगा सभी प्रतीक पात्र अपनी अपनी नहीं, मतलब पात्र स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक, स्त्री पात्र स्थिति यानी स्थिति का, स्थिति की अभिव्यक्ति, स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, ये एक बात तो हमें दो समझ में, भिक्षुक और गूंगा कैसे पात्र हैं ये, तो भिक्षुक और गूंगा जो है इसमें प्रतीक पात्र हैं, मतलब ये प्रतीक के रूप में है इसमें। ठीक है, आगे भिक्षुक और गूंगा ये याद भी कर लीजिएगा, भिक्षुक और गूंगा प्रतीक पात्र हैं। ठीक है, और अब हम इसमें एक और देख लेते हैं कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर पश्चाताप और आत्मग्लान से ग्रस्त होते हैं। ठीक, युद्ध के बाद युधिष्ठिर पश्चाताप एवं आत्मग्लान युद्ध के बाद युधिष्ठिर पश्चाताप एवं आत्मग्लान से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे पांचवा अंक, इसमें विजय क्रमिक आत्महत्या का चित्रण है, भिक्षुक गुंगा सभी प्रतीक पात्र स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब स्थिति को बताते हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर पश्चाताप एवं आत्मग्लान से ग्रस्त होते हैं। अब एक बात हम समापन देख लेते हैं, जहां प्रभु की मृत्यु उसका नाम है। ठीक, उसका क्या नाम है, प्रभु की मृत्यु, तो ये अंक नहीं है, ये एक भाग है नाटक का। ठीक, अंक कितने हैं, पांच, तो हम देख रहे हैं अब एक भाग है इसका, क्या नाम है उसका,
समापन, और समापन का एक नाम क्या रखा गया है? प्रभु की मृत्यु। ठीक, इसके बारे में हमें ये नोट करना है कि समापन में प्रभु की मृत्यु का प्रसंग उल्लेखनीय है, ये बहुत प्रशंसनीय मतलब माना गया है। ठीक है, तो ये खैर प्रभु की मृत्यु उल्लेखनीय है, और आगे एक बात ये लिखिए कि प्रवास वन क्षेत्र में व्याध के द्वारा, प्रवास वन क्षेत्र में व्याध के द्वारा प्रभु की मृत्यु हम देख रहे हैं समापन, जिसमें उनके प्रवास वन क्षेत्र, वन का क्या नाम रहता है? प्रवास। ठीक, तो समापन प्रभु की मृत्यु देख रहे हैं जिसमें प्रवास वन क्षेत्र में व्याध के द्वारा, ठीक, पैर में तीर लग जाने से कृष्ण का मरण होता है। यानी प्रभु की मृत्यु होती है। ठीक, तीर लग जाने से। और जिसका उन्होंने स्वेच्छा से वरण किया, ये भी लिख लीजिए, जिसका उन्होंने स्वेच्छा से वरण किया। ठीक, अब ये हो गया कथानक हम देख रहे थे। ठीक, अंधा युग नाटक का कथानक था ये, हम देख रहे हैं समापन जिसमें प्रभु की मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें प्रवास वन क्षेत्र में, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि समापन में प्रभु की मृत्यु का चित्रण है, तो आप जान ही रहे हैं। प्रवास वन क्षेत्र में व्याध के द्वारा पैर में तीर लग जाने से कृष्ण का मरण होता है, और जिसका उन्होंने अर्थात प्रभु ने स्वयं से वरण किया, यानी स्वीकार किया कि ठीक है मुझे धारण मतलब मृत्यु को प्राप्त करना है। आइए अब हम समय न गंवाते हुए संवाद की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नाटक के संवाद। ठीक, अब हम देखना प्रारंभ करते हैं संवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक एक लाइन लिखेंगे, यही ठीक रहेगा शॉर्ट में। ठीक है, और वो बेस्ट रहेगा। पहला है कि यह अंधा युग अवतरित हुआ। ठीक, यह अंधा युग अवतरित हुआ, ये पंक्ति जानते हैं कहाँ आती है? ये आती है यह अंधा युग स्थापना में, युद्धोपरांत जब स्थापना जब थी उसमें आती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन। ठीक, ये मंगलाचरण के बाद गायन आता है, उसमें है कि दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। ठीक, ये स्थापना है, और ये किसकी स्थापना? स्थापना में है। ठीक है, और जीता अंधापन ये कब है? तो ये प्रथम अंक में है। ठीक, प्रथम अंक में मंगलाचरण के बाद पड़ता है, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। और आगे फिर एक पंक्ति है,
पहले अंक में जो धृतराष्ट्र कहते हैं कि जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी, ठीक है, जीवन में प्रथम बार, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी। तो ये कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ये प्रथम अंक में गायन है, ठीक है, क्या है? गायन। और ये प्रथम अंक में धृतराष्ट्र का कथन है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं अगला नंबर, अगले नंबर पे हम देख लेते हैं मर्यादा मत तोड़ो, इतना ही लिखते हैं मर्यादा मत तोड़ो। यूजीसी में पूछा जा चुका है ये, मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, ठीक है। ये कौन कह रहा है? विदुर कह रहे हैं प्रथम अंक में, विदुर, ठीक, प्रथम अंक, विदुर प्रथम अंक, ठीक। आगे इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। यह अंधायुग अवतरित हुआ, किसकी स्थापना में कहा गया है, ठीक है, मंगलाचरण के बाद, नहीं नहीं मंगलाचरण नहीं, मंगलाचरण से पहले जब स्थापना है उसमें आता है ये। यह अंधायुग अवतरित हुआ, ठीक, और आगे फिर हम देखते हैं दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, ये प्रथम अंक में गायन है, ठीक है, ये मंगलाचरण के बाद आता है कि दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, है ना, और अधिकारों का अंधापन, जीत गया जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमल था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। तो जीवन में, और इसके बाद जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी, धृतराष्ट्र कहता है मर्यादा मत तोड़ो, विदुर कहता है तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुई अजगर सी, कुंजालिका में कौरव वंश में लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, ठीक, मेरी व्यक्तिगत सीमाओं, मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी, मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी, मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, सत्य हुआ करता है। ये कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र, प्रथम अंक, ठीक, प्रथम लिख रहे हैं, समझ जाएंगे ना, प्रथम अंक। आगे हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, ठीक, गंधारी कहती है बरबर पशु अंधा पशु वास नहीं करता है, तो हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, हम सब के मन में कहीं एक अंध गहवर है। कौन कह रहा है? गहवर गंधारी, बढ़िया है, ठीक, गंधारी कहती है हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, ठीक। तो ये भी पहला ही अंक है, ठीक, प्रथम अंक, तो इसको देख लीजिएगा प्रथम। आगे सातवां कि
आस्था तुम लेते हो, लेगा लेगा अनास्था कौन? आस्था आस्था तुम लेते हो, आस्था तुम लेते हो, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? लेगा अनास्था कौन? ठीक, ये कौन कह रहा है? विदुर। ये भी प्रथम अंक, ठीक, विदुर प्रथम अंक। आगे आगे हम अगले पंक्त अगले उस पे देखते हैं, ठीक है। ये लिख लिए, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के भीतर भी सत्य हुआ करता है। कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र। प्रथम अंक में हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, गंधारी कह रही है। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? विदुर कह रहा है। आगे हम देखते हैं अगले पेज पे। आगे हम देखते हैं कि झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, झा झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, ठीक। केवल कर्म सत्य है, केवल कर्म सत्य है, ठीक है, केवल कर्म सत्य है। ये पूछा जा चुका है यूजीसी में, केवल कर्म सत्य है। वृद्ध या ये कौन कहता है? वृद्ध याचक जो रहता है, ठीक, वृद्ध याचक वो कहता है। ये दूसरा अंक है, इसको भी यहां से दूसरा अंक शुरू हो जाता है। दूसरा अंक कौन सा है जानते हैं आप? पशु का उदय, ठीक। आगे हम देखते हैं अगला नंबर, और इसमें हम देखेंगे बध मेरे लिए नहीं नीति है, ठीक है, वह है अब मनोग्रंथि। वध मेरे लिए नहीं नीति है, वध मेरे लिए नहीं नीति है, ठीक। पद मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथ, वह है अब मनोग्रंथ, ठीक, वह है अब मनोग्रंथ। और इसको कौन, ये तो इसे अश्वत्थामा कह रहा है, ठीक है, अश्वत्थामा। और ये अंक कौन सा है? द्वितीय अंक अश्वत्थामा कह रहा है कि वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथ। आगे हम देखते हैं कि ये तो युत्सु है पुत्र धृतराष्ट्र के, ये तो युत्सु है पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े तो युधिष्ठिर के पक्ष में। ये तो युत्सु हैं पुत्र धृतराष्ट्र के, यो तो ये युत्सु हैं पुत्र धृतराष्ट्र के। तो ये कौन कह रहा है? अश्वत्थामा। किस अंक में? द्वितीय में, ठीक, द्वितीय। और अगला हम देखते हैं कि उतर आए हैं अपनी धुरी से आज एक एक करके सारे पहिए। विदुर कह रहा है कि उतर आए हैं अपनी धुरी
उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, युद्ध में लड़े युद्ध एक एक करके सारे पहिए, युद्ध आज एक एक करके सारे पहिए। ठीक, कौन कह रहा है? विदुर कह रहा है। उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, ठीक, एक एक करके सारे पहिए, ये विदुर कह रहा है। इतना लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं कि झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको मोस्ट में रखिए, ये पूछा भी जा चुका है। कौन कह रहा है? विद्याचक कह रहा है। दूसरा विद्याचक, यही भिखारी और गुंगा में यही है भिखारी, विद्याचक। दूसरा अंग, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वध है मनोग्रंथि अस्वस्थामा, ठीक, जब पशुत्व का उदय होता है उसी समय की चर्चा है। ये तो युत्सु है पुत्र धृतराष्ट्र के, अस्वस्थामा कह रहा है। और उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, एक एक करके सारे पहिए, विदुर कह रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। नरोवा कुंजरोवा 12, नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा, कुंजर की भात मैं केवल पदाघातों से। बस इतने आप याद करो, नरोवा कुंजरोवा, ठीक, अस्वस्थामा कह रहा है, अस्वस्थामा द्वितीय अंक, ठीक, द्वितीय अंक, नरोवा कुंजरोवा। आगे तो ये तो अर्ध सत्य हो गया ना यहां से, तो तृतीय अंक नरोवा कुंजरोवा। आगे अगला हम देखते हैं कि मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हूं, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हूं, दो, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हूं, ठीक। ये जो उक्ति है ये कह रहा है संजय अंतराल में, ठीक, तो इसको बस केवल अंतराल लिख लीजिए कि अंतराल में है और कुछ नहीं। आगे 14 नंबर देखिए, विदुर कह रहा है कि जीवित रहेगा वह लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा, जीवित रहेगा वह, जीवित रहेगा वह लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। ये इनके बारे में कह रहे हैं, अस्वस्थामा के बारे में विदुर, ठीक, विदुर तृतीय अंक। चतुर्थ अंतराल के बाद तो चतुर्थ आता है ना, चतुर्थ अंक, ठीक। अगला हम देखते हैं प्रभु हो या परात्पर हो, साप दे रही है, प्रभु हो या परात्पर हो, ठीक, प्रभु हो या परात्पर हो, कौन साप दे रहा है? गांधारी,
ठीक, गांधारी, गांधारी का साप ये है। और इसमें अंक भी लिखिए, गांधारी कह भी रही है का साप है और अंक कौन सा है, चौथा, ठीक, इतना लिखिए। नरो या कुंजरो अश्वस्थामा कह रहा है तृतीय अंक में, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हूँ, अंतराल की बात है, जीवित रहेगा वह लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। विदुर कह रहा है चतुर्थ अंक में, और प्रभु हो या परात्पर हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा, तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथे मारे जाओगे, प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। इतना खतरनाक, और बाद में इसी का वर्णन करते हैं जब प्रभु की मृत्यु में मारा जाता है और वो व्याध मारता है प्रभु को। तो आइए हम देखते हैं आगे। चलो अगला देखते हैं। अगला है कि 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार, कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार, ठीक, कौन है, कृष्ण, कृष्ण कह रहे हैं, ठीक। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार, ये कृष्ण के आगे चौथा भी लिख लीजिए, नहीं तो चौथे अंक में है, ठीक। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है, ठीक। आगे हम देखते हैं कि मुझे गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर, ठीक, मुझे गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर, ठीक, ये कौन कह रहा है, युधिष्ठिर, ठीक, युधिष्ठिर कह रहा है, कौन अंक है, पांचवा अंक, मुझे गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। आगे और आगे हम देखते हैं कि मुझको मत बांहे दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, मुझको मत बांहे दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा, ठीक, मुझको मत बांहे दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा, रहूंगा तुम्हें। ये किसको है, ये कह रहा है संजय, ठीक, समापन का है ये, समापन,
ठीक, ये समापन का है। और कौन कह रहा है? संजय। आगे आगे इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। कृष्ण कह रहे हैं, मुझे गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर युधिष्ठिर, पांचवांग मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा, ठीक, घेरे रहूंगा तुम्हें। ये समापन पर संजय कह रहा है कि मुझको मत बाहें दो, फिर भी घेरे रहूंगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा, मुझको मत पक दो लेकिन तुम तक मैं फिर भी, मुझको मत पक दो, ठीक है, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। ये समापन में है, ठीक, लिख गया ये, इसको मोस्ट में रखिए, यूजीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूजीसी में ये वाला। और ऐसे एक और आता है कि तुम पशु हो करके, वो भी यूजीसी में पूछा जा चुका है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में, सॉरी, मतलब ये यूजीसी में नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, अभी याद आ गया, किसमें, हायर में, ये हायर में पूछा गया है, ठीक है। मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, ठीक, मुझको मत नयन दो, फिर भी मैं देखता रहूंगा, मुझको मत पक दो लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। और एक ये है, और एक और अभी मैं लिखाता हूँ यूजीसी में, ठीक, ये यूजीसी लिख ही लीजिए आप, हायर में पूछा जा चुका है। और एक अभी अंत में लिख लीजिएगा, तुम पशु हो करके कृतवर्मा की उक्ति रहती है, ठीक है, तो वो भी पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं, तुम पशु, हायर में दोनों पूछा गया है ये, तो हायर में कौन पूछा गया है, मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, ठीक, संजय कहता है, किसमें कहता है, समापन में। आगे अगला नंबर है कि जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण, ठीक, द्वापर युग बीत गया उस क्षण, ये समापन में है। और क्या हो रहा है, गायन, ठीक, गायन है, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण, ठीक, प्रभहीन धरा पर आस्था हत, कलयुग में रखा प्रथम चरण, तो इस तरह से है। और एक और देखिए कि ये नंबर में पता नहीं कौन सा है, चलिए आगे नंबर आप डाल लीजिएगा, कि आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वस्थामा को, युत्सु कह रहा है समापन में कि आस्था नामक घिसा हुआ सिक्का ये मिला, आस्था नामक घिसा हुआ सिक्का मिला अब अश्वस्थामा को, ठीक, अब मिला अश्वस्थामा, तो ये बस इतना ही है, ये युत्सु का है समापन में, ये कथन है, इतना लिख लीजिए समापन, युत्सु, ठीक। और एक अंतिम है ये कि मरण नहीं है ओ व्याध, मरण नहीं, मरण नहीं है
मरण नहीं है, ओ व्याध, ठीक, मरण नहीं ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है या मात्र रूपांतरण है या, ठीक। और ये कौन कह रहा है समापन में? वृद्ध कह रहा है, वृद्ध याचक, वृद्ध, ठीक, कृष्ण का वाच्य रहता है ये वाक्य। तो मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है, ठीक। तो हो गया ये लिखिए फिर से, यही अंतिम है। इस बात दो और आया है, उसको मैं हायर का मैं दिखवा देता हूं कि जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण, और आस्था नामक घिसा हुआ सिक्का, मरण नहीं है वो व्याध और मात्र रूपांतरण है या। तो जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण क्या है? गायन है, ठीक। आस्था नामक घिसा हुआ सिक्का समापन है युत्सु का, समापन में ही उत्सु का वाक्य है। मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है, समापन वृद्ध कहता है, वाक्य कृष्ण का रहता है। आगे लेकिन आपको ये याद ना कि वृद्ध कह रहा है, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे वो मर्यादा मत तोड़ो कृष्ण का रहता है लेकिन विदुर कहता है, तो लेकिन उत्तर तो विदुर ही माना जाएगा ना। तो ये हो गया, अब हम और देखते हैं, दो संवाद देख लेते हैं जो हायर में पूछा गया है, ठीक है, अलग से विशेष रूप से। तो संवाद यूपी हायर में पूछी गई पंक्तियां, पूछी गई पंक्तियां, ठीक। पहला कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, ठीक, ये किससे है? द्वितीय अंक में है पशु के उदय से, ठीक। तो पहला है कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, ठीक, ये पूछा जा चुका है यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक। तो ये कौन कह रहा है? कृत वर्मा। और ये किस में है? ये है द्वितीय अंक में, ठीक, पशु का उदय जो होता है द्वितीय अंक। आगे एक और है कि तुम पशु हो के बाद किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा कि किसका अभिमान टूटा, किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी, मैंने कहा था कभी, किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी, ठीक। मुझको मत बांहें दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, ये समापन में संजय कहता है, ठीक है, समापन में कौन कह रहा है? संजय। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना समझ, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, ये कित वर्मा ने यूपी हायर में पूछा जा चुका है। और किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी, मुझको मत बांहे दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, समापन में संजय कह रहा है, ठीक है। और इसके आगे चलता है कि मुझको मत नयन दो फिर भी मैं देखता रहूंगा, मुझको मत पक दो लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। तो ये हुआ जो है यूपी हायर में पूछा हुआ, पूछी हुई कुछ पंक्तियां, ठीक है, अभी यही याद था। तो फिलहाल अब यहीं हम अंधा युग को समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपके काम की सारी
जो महत्वपूर्ण तथ्य, स्थापनाएं और जो भी विशेष था उनको हमने रखने का, ढूंढ के लाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चलचित्र पाठ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, स्वागत है, हमारे चैनल पे बने रहिए। और यदि आपको पसंद आए तो आप प्रतिक्रिया देते रहिए, ठीक है। और अगर लगे कि हमें औरों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करना है तो साझा भी कर सकते हैं, इसके पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के भी पैसे नहीं लगते। तो जो भी आप इच्छा हो करिए, लेकिन प्रतिक्रिया दीजिए और पसंद कीजिए, पढ़िए, सफलता हासिल कीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। मिलते हैं फिर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।